हाँ तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है झकास बॉलीवुड को लेकर के जिप्स ऑफ प्रेजेंट झकास बॉलीवुड। और आज हमारी मुलाकात हमारे गेस्ट है, हमारे मेहमान है एहसान कुरैशी साहब। तो आपने जितना भी भाग देखा, मेरा चैलेंज है कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा और इसके बाद अभी और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इनसे जो उम्मीद रखते हैं एहसान कुरैशी साहब से, मैं भी वही उम्मीद रखता हूं। और इसीलिए आपकी तरफ से ये सवाल पूछ रहा हूं कि अभी मैं चाहता हूं कि कुछ आइटम और कुछ इनके जिंदगी की जो दास्तान है जहां से शुरुआत हुई, तो मैं चाहूंगा एहसान भाई कि आपकी शुरुआत ये कैसे हुई, सिवनी से आप मुंबई तक का सफर कैसा रहा? 1985 यानी कि आज से 35 साल पहले, हाँ, मैंने मंच पे कदम रखा। पहला मंच मेरे शहर का ही, मैंने कविता पढ़ा, 51 रुपए मिले, रात भर नींद नहीं आई, 51 रुपए। उसमें सिवनी से नागपुर गए, नागपुर से वापिस आए, एक फिल्म भी देखे और एक टाइम होटल में खाना भी खाए, तो 51 रुपए में खत्म नहीं हुए, फिर थोड़े से बड़ी रकम फिर पैसे। और उस दिन लोगों ने इतना पसंद किया कि 5 शहर के कवि थे। तो गोंदिया वाला कान में बोलता है 23 तारीख खाली है, मैं कौन सी वाली, 8 दिन बाद मैं क्यों, होली है, आ जाओ, मैं कितने मिलेंगे, बोल 501। मैं वहीं गिर गया, मैं 501, 51 रुपए से होली और 501, मैंने कहा आ रहे हैं, बोलिए 100 का नोट रखो एडवांस है, मैं कहा एडवांस भी मिलता है, बोले हाँ 100 अभी ले लो और आपको मां देंगे। वो 100 रुपए लेके हम पड़ोस का जिला है छिंदवाड़ा, जहां से मुख्यमंत्री निकलते हैं एमपी के कमलनाथ जी, वहां बॉम्बे डाइंग शूटिंग शर्टिंग उसकी शर्ट खरीद के लाए, अच्छी चमचम का, यही पहन के होली में जाए, कलरफुल फिल्म देखी थी उस टाइम छिंदवाड़ा में, पहले फिल्में आ जाती थी, पहले फिल्मों का क्रेज बहुत था भाई, बहुत बहुत। अरे कालीचरण 2 महीने पहले छिंदवाड़ा हम साइकिल से जाके देख के आते थे, फिर हमारे यहाँ 6 महीने बाद कालीचरण आती, तो शोले कालीचरण इनके एलपी जब बसते थे ना, तो आन ठेलों में भीड़ लगती, भैया पान दे, अरे फ्री में सुनोगे, अच्छा एक और दे, सिगरेट भी दे, और चल रही है, पानी के बिना मछलियां कैसी तड़प रही, ठीक इसी तरह उसका बचपन तरस रहा है, सेठ दीन दयाल मैं तुम्हारा अंकल हूँ बेटे, वो इतना मीठा और ये इतने तेज शत्रु, अंकल हूँ नहीं अंकल थे। अरे क्या ये, आधा आधा घंटा सुनते रहते थे। उसके फिर हम आइटम बनाते थे, हलवाई बोलता था शीरे के बिना जलेबियां कैसी करते हैं, उस टाइम हम लोग बनाते हलवाई की दुकान पे ग्राहक आता था। तो ये सफर हमारा चला चला, जब हम गोंदिया गए पढ़ने तो वहां 3 शहर के लोगों ने बुक किए, रायपुर आना है, मैं कहा जाएंगे, कितना दोगे, 700, हाँ बढ़ते जा रहा है, 200 में, मैंने कहा ये काम बहुत अच्छा है, ये काम चल निकला। और वैसे तो आज भाई आपकी ऑडियंस को बता दे कि हम हॉकी खेलते थे राष्ट्रीय स्तर तक के, हमने गोल पे खेले, और हम चाहते थे पूरा स्टेडियम ताली बजाए हमारा गेम देखकर, तो जिस शहर में खेलते थे तालियां बजती थी, राष्ट्रीय स्तर पर मैं देश के लिए नहीं खेल पाया, लेकिन मेरे को मंच मिला, टीवी मिला, और टीवी पे फिर मैंने एक्ट किया, तो पूरे देश ने ताली बजा, ताली मिली, मगर स्टेडियम में नहीं मिली, घर घर में मिली, लोगों ने ताली बजाए। और लेकिन फिर भी मैं खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मेजर ध्यानचंद जी का ये देश है, ये हॉकी के जादूगर थे, और ऐसी हॉकी से चिपक जाती जैसे गोंद या फेविक बॉल, अब पूरी टीम भी अगर छुड़ा के बता दे उनसे गेम, ऐसे जादूगर थे, तो उनके हम फैन रहे, उस देश के रहे, हॉकी हमारे टाइम पे बाप रे, असलम शेर खान ओलंपिक जीत के आए थे, उनके गोल से टीम जीती थी, अजीत पाल खेला, ये सब पुराने लोग जो सुन रहे हैं मुझे, इनको याद आ रही होगी वो स्वर्ण दौर, गोल्डन जुबली दौर हॉकी का। फिर हम ये सफर करते 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 सर 2000
में काफी पक गए थे, 15 साल हो गए, 15 साल तो जलगांव की तरफ हम शो करने आते जलगांव यस भुसावल लाते थे। फिल्म स्टार का बड़ा क्रेज था, तो फिल्म स्टार पहुंचते थे, कहते थे यार पागल इतना हंसाते हो तो बॉम्बे क्यों नहीं आते। मैंने कहा बॉम्बे आएंगे किसके दर में ठोकरे खाएंगे, कहाँ मांगते रहेंगे, किससे काम मांगे, ऊपर वाला बुलाएगा, बस आप आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो। फिर लगी किसी की, फिर एक ऐसा शो आया, उसको ऑडिशन हुआ, और फिर हम 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के लिए, इसके लिए हम जलगांव को इसलिए याद कर रहे हैं कि जलगांव हर महीने एक न एक शो किसी कॉलेज में होता था, किसी संस्था में होता था, रोटरी लाइंस उनकी पहली पसंद होती थी, यार वो एमपी का लड़का बुलाओ, एहसान कुरैशी। तो एक बार नाचे मयूरी अगर फिल्म देखा तो सुधा चंद्रन जी थी, वो आई थी चीफ गेस्ट बन के, वो चेयर से गिरी हंसते हंसते। वो बाद में मुझे कहती है तू बेटा कहाँ पढ़ा हुआ है, तू बम्बई क्यों नहीं। मैं कहा दीदी कहाँ आऊंगा, आपके घर ही रोज खड़ा रहूंगा, क्योंकि आज फिर काम नहीं मिला। बोले हाँ ये तो बात है, स्ट्रगल बहुत है, मगर मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ किसी दिन आएगा। और एक दिन दुआ लगी, जब मैं आया फिर मुझे एक दिन फ्लाइट पे मिली, मैं कह दीदी एहसान बोल गया, अरे बोले मैं अपने मिस्टर से बताती हूँ कि इस बच्चे को मैंने आशीर्वाद दी थी, मैंने ऑफर किया था कि तू आ बेटा बम्बई। तो बहुत लोग खुश होते जिन्होंने इसके पहले भी देखा है, और बहुत सारी जगह शक्ति कपूर टकराते थे, बहुत सारी जगह असरानी जी टकराते थे, और एक रविंद्र जैन साहब मुशायरों में मिलते थे, नाते पाक पढ़ते थे, वो बेहतरीन अपनी धुनों में जितने अच्छे भजन उतने अच्छी नाते पाक पढ़ा करते थे। वो कहते थे धीरे से बुलाओ एहसान को, फिर कान में दिखता तो था नहीं बेचारों को, लेकिन कान में बोले तुमने पेट दुखा दियो मेरा, बम्बई आना मेरे घर आना, हाँ मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, मेरा फील्ड नहीं है तुम्हारे लिए कुछ, लेकिन तुम कॉमेडी में खूब करते हो, हंसाते हो। तो ऐसे लोग आशीर्वाद देते थे भाई। और मुझे जहां तक मालूम है आपका जो जन्म स्थान है वो है आकोट, आकोला जिला पड़ता है, वहीं आकोट पड़ता है, राइट राइट। आकोट इतना प्यार मिला है मुझे आकोट में, कभी पूछना वहां इकबाल खलील साहब एक शायर, अरे वही मुनव्वर राना और राहत इंदौरी साहब के दौर के उस्ताद, अरे बोले बेटा एक बार तेरे को जरूर बुलवाएंगे आकोट। फिर मेरी नाइट हुई, और पूरे 3 घंटे की नाइट मैंने अकेले की थी, लोकल के लोग कुछ पढ़े थे थोड़ी देर, फिर मैं राम बरेठिया जी बहुत अच्छे समाज सेवक सामने बैठ के सुनते थे, और इतना प्यार उस टाइम बोलते थे यार मेरा एक लड़का है बोले हमारे गांव का, तुम जाना मिलना आरिफ से, वो जूनियर अनिल कपूर का, जरूर कभी जाएंगे तो मुलाकात, आज देखो रामू बरेठिया जी इतने खुश होंगे और मुझे सामने देख के कि एहसान से मैं बोला करता था कभी आरिफ से मिलना जाए। एक कदीर ठेकेदार लिखते हैं कदीर शाह बहुत बड़ा आदमी, और वो भी समाज सेवक, अभी खुद ने खाए नहीं है, दूसरों की चिंता लगी भाईजान बोल एक रिक्शे वाला बीमार पड़ा है, ये दवाई पहुंचा दू और थोड़ा सा ब्रेड वगैरह ले लिया हूँ, मतलब तुमने खाए क्यों नहीं, अरे छोड़ो ना अपनी तो जिंदगी भर 3 दिन नहीं खाऊंगा मरूंगा नहीं, ऐसे लोग इकबाल खलीज तो मुझे आपकी बहुत तारीफ की है, रामू भैया ने मेरा बहुत साथ दिए, मतलब मैं जब वहाँ शो करता था ना तो रामू बरेठिया के बलबूते पर मैंने एक हफ्ते में 2 शो किया, और वो ऐसा खड़े रहे सामने, और मेरे दोनों के 2 शो थे, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, इकबाल खलीज साहब ने बताया। अच्छा। और अभी तो इकबाल खलीज साहब थोड़े से बीमार हैं, तो मैं चाहूंगा दुआ कर देना उनके लिए, सेहतमंद उनको सेहत। और ये कदीर शाह जो है इनके जो भाई है तो इसका नाम है नासिर शाह, ये राष्ट्रीय एकता एक इन्होंने एक मंच बनाया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ करके, बहुत अच्छी, और उनके लिए भी मैं जाने वाला हूँ। और अकोट के पास एक है जलगांव जामोद के विधायक जी हैं, लगातार मुझे 5 साल तक के बुलाया उन्होंने, उसी के पास एक है जहां विनोद सोनी रहते हैं, तेलहारा। तो वो विनोद सोनी हम लोग की एक टीम हुआ करती थी, विनोद सोनी उस इलाके में कोई कार्यक्रम हो जरूर बुलाते थे। ये मेरा इन शॉर्ट छोटा सा सफर था, 2005 में नागपुर में ऑडिशन हुआ, और उसके थ्रू जब मैं यहाँ आया तो
यहाँ बस मेरी कविता, मेरी चार लाइन, मेरी दो लाइन ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया। अच्छा। मेरे हर अंदाज को बहुत पसंद करते हैं लोग, आज भी कहीं जाओ कहते जुम्मन चाचा अंडे वाले। हाँ। जुम्मन चाचा और मैं उनका सुन ली बोली फिर भी मजा आता है। तो जुम्मन चाचा का वाकया ऐसा है भाईजान कि एक तो जुम्मन चाचा थोड़े से हंसमुख आदमी और लेकिन बहुत इंटेलिजेंट नहीं, बहुत बात जल्दी दिमाग में घुसती नहीं, एक एक बात को तीन तीन बार पूछते हैं। तो सुबह सुबह चला गया, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए, तो वो टॉपिक हो जा रहे हैं उनकी समझ में नहीं आया। बोले एक बार फिर से पूछ, मैंने कहा चाचा अंडे कैसे दिए, बोले तू तरीका पूछ रहा है कि भाव है? मैंने कहा चाचा मैं तरीका कैसे पूछूंगा, मैं तो भाव पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा है? मैं कहा कल सुबह मेरे बेटे ने दो अंडे ले गया, दोनों गंदे निकले। बोले कितने बजे ले गया होगा? मैंने कहा सुबह सुबह 7 बजे। बोले उतने बजे मैं नहीं देता, मेरा बेटा देता है। तो मैंने कहा चाचा फिर आप कब देते? बोले मैं शाम को 5 बजे के बाद देता हूँ। तो बेटा संडे के दिन हम बाप बेटे बाजार करने जाते हैं दूसरे गांव, तो तेरी चाची भी देती है। अच्छा। वही बात हम बोले तो उनको बुरा लगता है यार, वो खुद बोले तो अच्छा लगता है। तो मेरी ये छोटी छोटी सी बातों का लोगों ने बहुत मजा लिया। और शेखर जी, सिद्धू जी, और याद है मुझे कि सेमीफाइनल के दिन जॉनी लीवर साहब आए थे और मेरी स्टाइल पे ऐसी ऐसी मुंडी मुंडी पड़ा, खूब हंसे क्योंकि नया स्टाइल है। तो जानी भाई महान सलाम करते हैं। मैं तो जिंदगी में दो ही कॉमेडियंस का फैन था, ये जॉनी भाई तीसरे जुड़े, दो थे महमूद साहब और किशोर कुमार साहब। ये पड़ोसन फिल्म हमने देखी थी यार बचपन की, वो फिल्म आज भी देखो तो ऐसा लगता है अभी भी इसका जवाब नहीं, लाजवाब जो महमूद साहब ने कथक किया, जो साउथ इंडियन भाषा बोला, और किशोर दा ने जो अपनी किशोर दा का टाइमिंग, ओए होए कॉमेडी का टाइमिंग, अरे बांगलुओं की टीम रहे। और सुनील दत्त साहब भी कम नहीं, जब एक विवल्ले आदमी, कम दिमाग आदमी वो रोल करके बताए और इतनी स्मार्ट भोला भाला बन के बताए, तो वो फिल्म जो है क्या कहते हैं ना, मील का पत्थर, लाजवाब कॉमेडी बनाओ तो ऐसी कि पूरी फिल्म पूरी फैमिली बैठ कर एक उठ के नहीं भागेगा। ये चीजें हमने सीखे और इस दौर में सबसे बड़े कॉमेडियन है जॉनी भाई, और किसी हद तक नए उभरतों में एक कपिल शर्मा भी है, जिनकी टाइमिंग बहुत करेक्ट है, जिनके शब्द जो निकल जाए मिर्जा गालिब की सोच, हाजिर जवाबी में उनका भी जवाब नहीं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग मजा लेते रहे। और मैं चाहूंगा जी कोरोना पीरियड में है तो मैं चार लाइन कोरोना पे सुनाता हूँ। अभी सबसे ज्यादा डर कोरोना से डरे हुए हैं लोग, लेकिन कोरोना की हकीकत में चार लाइन में सुनाता हूँ, आपके चेहरे में मुस्कान पहुंचाता हूँ चेहरों तक। कोरोना वायरस तो मस्ती में झूम रहा है, कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिना पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। कोरोना वायरस मस्ती में झूम रहा है, बिन पासपोर्ट पूरी दुनिया घूम रहा है। अब देखना देश वैक्सीन का निर्माण करेगा और चाइना का वायरस हिंदुस्तान में ही मरेगा। क्या बात है इंशाल्लाह क्या बात है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि अभी आपको जो लोग देख रहे हैं जी, कुछ लोग जमीन पर बैठकर देख रहे हैं, कुछ चेयर पर बैठकर देख रहे हैं, तो इन चेयरमैनों को और इन जमींदारों को कुछ कहना चाहेंगे तो मैं तो जब कभी शो में जाया करता था तो पहले सबसे पहले मुशायरा हो तो आदाब करता था, कभी सम्मेलन हो तो नमस्कार करता था, और अगर आज की डेट पर नमस्कार करूं तो मेरे अपने अंदाज से यही हो सकता है कि जमीन में बैठे जमींदारों को नमस्कार, चेयर में बैठे चेयरमैनों को भी नमस्कार, गद्दी में बैठे गद्दारों को भी नहीं, कुछ आसन लगा के बैठते गद्दी में, हाँ बोलो, और छोटे छोटे बच्चों को और जितने गेट पे खड़े हैं गेट कीपरों को नमस्कार, और छोटे छोटे बच्चों को प्यारा प्यारा नमस्कार, महिलाओं को अति विशेष नमस्कार, और बुजुर्गों को अंतिम नमस्कार। अंतिम 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 इसलिए आरिफ भाई
कि आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इस देश के बुजुर्ग तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, हाँ बिना राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री बने बगैर निकलते ही नहीं है। तो बुजुर्ग तो सलामत रहे और उनकी उम्र 100 02 फिल्म देखी थी अभी अमिताभ जी की, बहुत आप सबके लिए दुआ करता हूँ। हैप्पी होली और हैप्पी दशहरा, हैप्पी रमजान, हैप्पी ईद, जो जिस मौके पर देखे, हैप्पी न्यू ईयर, सारा ये देश की खूबसूरती है, सारे लोग मिलके रहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, रंग बिरंगा गुलदस्ता है ये, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये रंग बिरंगे फूल है गुलदस्ते के, और ये देश उसी वक्त अच्छा लगता है जब हम सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, आजान भी गूंजती है, मंदिर की घंटियां भी बजती हैं और चर्च का घंटा भी बजता है, संघ भी बजते हैं, तो ये इस देश की खूबसूरती है, बनी रहे दुआ करता हूँ और ये देश बहुत तरक्की करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे एहसान कुरैशी साहब, बहुत देखा है आपने, ये होता है कलाकार। क्या कलाकार एक का नहीं होता, हर एक का होता है, और जिसकी एकता में अनेकता, जैसे एकता होती है, एकता में अनेकता हो वो कलाकार के दिल में रहती है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, सर्वधर्म समभाव, हर मजहब का आदमी कलाकार को मजहब से नहीं बल्कि देखता है उसकी कला से, उसकी इंसानियत से। तो वैसी एक शख्सियत से आज की मुलाकात कराए। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा एहसान भाई जी, कि आप वो शख्स है, कलाकार तो बहुत है मुंबई में, हमने देखे हैं, मैं भी 30 साल मेरी इंडस्ट्री में गुजर गए हैं, कि बड़े बड़े कलाकार देखे, जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचते देखे, मेरे साथ में जो लोग स्ट्रगल करते थे वो आज जमीन पर थे, आसमान पर है, लेकिन जैसे ही जमीन से उठते हैं तो बोलते ना कि राह के पत्थर को जरा सा क्या तराशा हमने, थोड़ा सा हुस्न क्या आया कि मगरूर हो गए। कलाकारों की बात ऐसी होती है, क्योंकि ये सक्सेस बड़ा पचाना बड़ा कठिन मामला है, खासतौर से बॉलीवुड वालों के लिए। तो जो लोग जमीन से उठ करके थोड़ा सा उड़ जाते हैं तो अपने औकात भूल जाते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि, लेकिन उनका नाम लेकर के मैं उनको बदनाम नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूं सबको कि कलाकार वही होता है कि जो जमीन डाउन टू अर्थ होता है, जमीन से जुड़ा होना चाहिए वो, चाहे कितना भी ऊपर पहुंच जाए। हमारे जूनियर किशोर भानुशाली, अभी परसों उनका इंटरव्यू हुआ था जी, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, मेरे दिल को छू गई, कि बोले जब आप ऊपर जा रहे हो, जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो ये कभी मत भूलना कि पीछे वालों को मत भूलना, क्योंकि वापस लौटकर आपको उन्हीं से मुलाकात करना है। कितनी अच्छी बात है। तो वही सारी बातें आपके अंदर, आपके अंदर खूबी है, और आपके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरह से अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का, गरीबों का, मिस्किनों का जिस तरह से ख्याल रखते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हम आपको फैमिली मेंबर हैं, हम आपके, इसलिए हम आपकी हर अदा पर हम फिदा है। वो इसलिए कि आप बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े कॉमेडियन है, इसका नहीं, एक ह्यूमन बीन बोलते हैं ना कि एक इंसानियत जो आपके अंदर है, वो खास खास करके कि जो आप इंसानों के लिए दर्द है, वो चाहे फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, जब कोई मजबूर आता है तो आप इस हाथ से देते, तो इसको भी पता नहीं चलता। और वैसे ही मैं दोस्तों आज बताऊंगा कि मैं ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, और जब हम पर भी थोड़ी सी आफत आई, अभी हम पर जो आफत आई, तो एहसान भाई ने, हमारे सभी लोकल आई भाइयों पर बहुत सी आफत आई थी अभी लॉकडाउन के, किसी के राशन नहीं, किसी के कुछ नहीं, फिर हमने सोचा कि भाई हम अकाउंट भी खोलते हैं, हमारा तो अकाउंट भी खोले तो कैसा खोले, क्योंकि अब एक आदमी मेरे पास 300 मेंबर है। उस वक्त जब एहसान भाई को ये बात मालूम पड़ी, क्या उनको जब ये मालूम पड़ी कि आरिफ भाई का अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, अकाउंट अगर खुलेगा तो कोई उसमें मदद करेगा आइला एसोसिएशन की, तो सबका भला होगा। तो जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने खामोशी से, जो अकाउंट के लिए हमको जो पैसा, जो रकम लग रही थी, खामोशी से लाए, बुलाया, पता भी नहीं चलने दिया, और हमको ऐसा दे दिया। आरिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो हमारा फर्ज है समाज में रहते करना चाहिए। एक बात मैं अपने सुनने वालों को बताऊं, एक बुजुर्ग ने बचपन में बताए थे, अगर आपके यहाँ कुआं है, पानी का कुआं, हाँ, आपने खुदवाए हो या पीढ़ी में किसी ने दिया हो बाप दादा के द्वारा, हाँ, और पूरा मोहल्ला उससे पानी ले जाके पीता है, कोई 2 बाल्टी कोई 4 बाल्टी, उसमें कहां से पानी आएगा और ऊपर वाला कितनी जीरे फोड़ेगा अंदर ही अंदर, ये आपको नहीं पता, नहीं क्योंकि उनकी ऊपर वाले की आवाम पल रही है उससे पानी, बिल्कुल बिल्कुल।
और जिस दिन आप उसमें गेट लगा देंगे, लॉक कर देंगे, तो एक दिन आएगा वो पानी सड़ने लगेगा। और वही मोहल्ले के मैंने देखा हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया, तो मोहल्ले में फिर कुत्ते बिल्ली मरते हैं ना, तो उनको फेंक देते रातों रात, तो वो पानी वो भी नहीं पी पाए। तो ये है जिंदगी का राज। आपको चार पैसे मिले हैं तो उसमें चार पड़ोसियों का हक है, आपके रिश्तेदारों का हक है, बहुत टाटा बिल्डर मानी बनने की जरूरत नहीं। आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो 10 रुपए तो उसमें से एक खाना खिला सकते हैं। तो अगर ये नियत है आपकी, तो साल में आप इतना तो हर कोई कमा ही लेता है, किसी एक या दो परिवार को गोद ले ले, चुपचाप से उनकी मदद करे। तो ये आप नहीं कर रहे, ये ऊपर चुना है इस काम के लिए। और अगर ये काम आप बंद कर देंगे तो फिर वो किसी दूसरे के कुएं में झिरे देगा, जिसके कुएं से सबको पैसा मिले। तो ये आप लोग सब ध्यान रखें कि बांटने से कम नहीं होता, बांटने से बढ़ता है। सोच सोच की बात है, बहुत कठिन पीरियड हमने निकाले हैं और अभी भी चल रहा है कोरोना का पीरियड, लेकिन लोगों ने बहुत दान दक्षा, खाना खिलाए, गुरुद्वारे रात दिन खाना बना रहे हैं, पैकेट पहुंचा रहे हैं, फुटपाथ पे पूछ रहे, भूखा तो नहीं है। तो मैं उन सब सैनिकों को सलाम करता हूँ, वॉरियर्स को सलाम करता हूँ, बहुत बुजुर्गों में रहे हैं, बहुत सीखे हैं, आज बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं, इसलिए ये सारी बातें सीखने को मिलती। यही सीखो, यही दुनिया में लेके कोई नहीं जाता, सब यही रह जाता है। मुझ जैसे बहुत लोग एक से एक हैं जो काम करते हैं, किसी को बताते नहीं, मालिक उनको सलामत रखे। और मेरे उस्ताद थे सर अब्दुल रब सदर साहब, उन्होंने चार लाइन ऐसी लिखी, आज तक जीवित है। और चलते चलते मैं उन सैनिकों को सलाम कर लूं जिन्होंने शहादत दी। और किसी के लिए जान दे देना, हम तो माल देने में घबराते हैं कि इसमें से यार अपने 200 में से 100 कैसे दे दूं। लोगों ने प्राणी दे दिए, इनकी तो जिंदगी मिलती है। लेकिन देश की रक्षा के लिए जब आफत आई तो बस सरहद पे कूद जाते, माइनस डिग्री में जाके आज चाइना से सीना ठोक के लड़ रहे हैं। तो ये शहीद जो होते हैं ना, इनका कोई मुकाबला नहीं और इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं। इनके लिए सदर साहब ने चार लाइन कही थी कि सरे मैदान सुजात की निशानी दे दी, सरे मैदान सुजात की निशानी दे दी, खून से लिखी अपनी कहानी दे दी, और मादर हिंद ने जब मांगी दूध की कीमत, मादर हिंद के बेटों ने जवानी। ओए होए क्या बात है, क्या बात है, सलाम करता हूँ, सलाम है सबसे नीक को, जो आज चाहता हूँ फिर किसी दिन हम आपके इस इंटरव्यू में पार्ट टू लेकर आएंगे, जब तक के आप नए लोगों से मुलाकात करवा जाते जाते मैं चाहता हूँ कि एक मुस्कान वाला मुस्कान बिखेर दे जाते जाते भी, कि वो कभी ऊपर जाता है नीचे आता है क्या, वो थोड़ा सा। और उसके बाद मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा यार भाई। एक फिल्म थी अंगारा सिंह नाम था किसका, अमरीश पुरी, और उनके चार बेटे, चारों को शादी नहीं, इस घर में औरत ही नहीं होना, औरत अजीब टाइप का आदमी अंगारा, लेकिन उसके बच्चे अलग अलग छेड़ी बद्दियों में जाके अलग अलग झोपड़ियों में शादी कर लेते, लेकिन बताते नहीं। उसमें से एक अरशद वारसी था जो परेश रावल कहता, देख पापा का मूड ठीक है क्या, ले जाऊंगा इसको फरा को अंदर ले जाऊंगा, बच्चा भी हो गया है। तो वो झाड़ में चढ़ता है, देखता है नीचे आता कुत्ता भी है, टहल रहा है बाहर, फिर चढ़ता है फिर उतरता है। तो उसकी एड बन रही थी, तो बोले एहसान भाई इस सीक्वेंस पे दो लाइन लगाओ। वो दो लाइन क्या लगी कि मेरे जितने जूनियर्स हैं आज भी यही डायलॉग बोल रहे, पैसा कमा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती कि उस बहाने में जीवित हूँ। तो मैंने वो फिल्म में सीन चलते रहता और वॉइस ओवर मेरा था, तो मैंने कहा कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये झाड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चल जाता। और आज भी जितने जूनियर्स हैं सब ये लाइन जरूर बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी आवाज, हाँ चाहे जूनियर हो कई जगह लोग बोलते एहसान कुरैशी आपके दोस्त है ना, हरी भाई तो जरा यार उनका थोड़ी सी आवाज निकाल दो। हम भी हमारे अंदाज में बोलते कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये पेड़ क्या तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है।
यार आरिफ भाई पहली बार मालूम हुआ कि तुम जूनियर अनिल कपूर नहीं जूनियर एहसान मौका देख के चौकट टूट देते हैं आपका कहीं भी लग जाता है। बहुत अच्छा बहुत मजेदार। और जब कभी हम कविता में एक खूबी यही है कि जोक्स को बोल के बताया जाता है लेकिन कविता में अगर चार लाइन में कस दो जो तो लोगों को मजा आ जाता है। एक अंतिम घटना बता हाँ। हम आपसे विदा लेते हैं। एक गांव में कार्यक्रम करने गए तो यार रास्ते में सरहद में सबसे पहला बोर्ड लगा स्कूल था वही हाईवे के किनारे और उसमें दो लाइन लिखी थी बड़ी खूबसूरत और रिदम में लिखी थी तो मैंने अपनी स्टाइल में पढ़ा वो लाइन कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाए। अरे यार ये तो रिदम में लिखा वही मेरी रिदम में हाँ। तो पढ़ के हम चले गए। दूसरे दिन कार्यक्रम करके लौटे तो किसी बच्चे ने रातों रात कोयला ला के वहां कोयले से तीसरी लाइन लिख दी है। अब तीसरी लाइन का मजा लेना। स्कूल के सामने बोर्ड लगा था कृपया गाड़ी धीरे चलाएं ताकि बच्चे दब ना जाएं और एक बच्चे ने रातों रात तीसरी लाइन लिखा एक भी टीचर बचने ना पाए। हंसते रहे मुस्कुराते रहे खिलाते रहे मिलेंगे फिर ब्रेक के बाद। थैंक दोस्तों ये थे हमारे एहसान कुरैशी साहब आपने देखा किस तरह से हंसाया किस तरह से इंसानियत इन्होंने इंसानियत की बात कही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जवानों को इन्होंने श्रद्धांजलि दी। जवानों की जो कुर्बानी है वो हमारे सामने बुनाई के हम तो अपने पास का कुछ माल ऊपर वाले दिए उसके बाद भी हम तकसीम नहीं करते लोग जान दे दे प्राण दे देते हैं कितनी बड़ी बात कही इसमें कितनी गहराई है। तो दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूंगा जिप जैक प्रेजेंट छकास बॉलीवुड के पूरी टीम की तरफ से और आइला एसोसिएशन के पूरी टीम की तरफ से इतना ही कहूंगा एहसान भाई के लिए कि गली गली में ये चर्चा आम हो आपका। चर्चा तो वैसे है ही आपका। गली गली में ये चर्चा आम हो आपका फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो आपका। थैंक यू आपका नेचर है प्यारा खुशी मिले सबको क्या आसमां की बुलंदी पे नाम हो आपका। वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया यही दुआ हम भी आपके लिए करते हैं और आप सब खुश रहें हैप्पी रहें एक दूसरे का ख्याल रखें क्योंकि हम इंसान हैं इंसान ही एक दूसरे का ख्याल रखता है वरना कुत्ते कैसे भौंकते हड्डी दिख जाए तो दूसरे घुसने नहीं देती है घर में लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता इंसान देखता है तो उसने कहता आधा बांट ले भाई दो और भूखे आ गए तो एक रोटी के चार टुकड़े कर लो भाई। तो इंसानियत की जरूरत है इस समय देश को और हमेशा रहेगी और इंसानियत हमेशा जीवित रहेगी। और हमने बचपन में सुने तो आपकी बात पे किसी ने कहा था कितना कम जर्फ है ये गुब्बारा हाँ। जरा सी हवा में फूल जाता है। ओह कितना कम जर्फ है गुब्बारा जरा सी हवा में फूल जाता है और जरा ऊंचाई जो मिली तो फिर अपनी औकात भूल जाता है। क्या बात है क्या बात फिर वो जब जिस दिन लेकिन बस खुशी हमको इस बात की है कि आज एहसान भाई का जो इंटरव्यू हुआ 1000 आर्टिस्ट अगर मैं 1000 आर्टिस्टों का अगर मैं इंटरव्यू ले लूं तो उतनी खुशी नहीं होती जितना एहसान भाई के इंटरव्यू लेने में खुशी हुई है मुझे क्योंकि वो छोटा बनकर जो सबसे मिलता है उससे कोई बड़ा नहीं होता। दोस्तों देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए झकास बॉलीवुड को चिप्स ऑफ प्रेजेंट झकास बॉलीवुड एक बार बोले झकास बॉलीवुड। थैंक यू।